करेंगे अगली खबर का, जो कि नोएडा से आ रही है। दो दिन के अंदर 23 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। यहां आपको बताया कि 5 प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। संक्रमित बच्चों के कॉन्टेक्ट में 105 लोग भी आए हैं और अब तक दो दिन की अगर बात करें तो 54 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। एहतियात के तौर पर सभी स्कूल्स को फिलहाल बंद किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की टीम परिजनों से संपर्क कर रही है, कॉन्टेक्ट कर रही है। गाजियाबाद में 5 बच्चों के साथ एक टीचर कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके साथ ही आपको बताएं कि स्कूलों को अब अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी है, 5 प्राइवेट स्कूल्स जहां जो बच्चे हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। दो दिन के अंदर 23 बच्चे कोरोना पॉजिटिव और फिलहाल यहां आपको बताएं कि संक्रमित बच्चों के अगर कॉन्टेक्ट को ट्रेस किया जाए तो 105 लोग उनके संपर्क में आए हैं। दो दिन के अंदर 23 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जो सभी 5 स्कूल हैं फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। अगले आदेश तक के लिए इन स्कूलों को बंद किया गया है। दो दिन के अंदर 23 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में जो प्रशासन है उसमें हड़कंप मच गया है। यहां आपको बताएं कि संक्रमित बच्चों के कॉन्टेक्ट में 105 लोग आ चुके हैं, फिलहाल उन्हें ट्रेस किया जा रहा है। तो और हमारे साथ अनिल चौधरी गाजियाबाद से, तो नोएडा से हमारे साथ रजत जुड़ गए हैं। सबसे पहले गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। अनिल, क्या कुछ अपडेट आ रहा है कोरोना को लेकर, एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है? देखिए, दिल्ली एनसीआर सहित कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। बात करें अगर गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में बीते दो दिन के अंदर पहले 5 केस आते हैं अलग अलग स्कूलों में, और सबसे ज्यादा जो अब स्कूली जो छात्र हैं वो इसके जद में आते जा रहे हैं। लगातार केस बढ़ते ही जा रहे हैं, और आज की अगर बात की जाए तो आज जो 5 जो छात्र पहले आए थे उन्हीं के जो कॉन्टेक्ट में ये बच्चे आए थे उनका भी जो है रिपोर्ट कराई गई, तो उसमें पता लगा कि ये बच्चे भी पॉजिटिव है और आगामी कुछ दिनों के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया है। लगातार बढ़ते आंकड़े तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के पेरेंट्स हैं गाजियाबाद के उनकी चिंताएं बढ़ा रहे हैं, और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बात करें आंकड़ों की, तो अब तक गाजियाबाद में 10 केस पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें की 9 छात्र हैं और एक टीचर जो है पॉजिटिव पाई गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग सिक्योरिटी के माध्यम से लगातार जो है स्कूल के अंदर लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, और जो बस है उसको सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, और जो छात्र हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाई दी जा रही है। ऐसे में जो कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ हमारे साथ में पेरेंट्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आपके ही बच्चे पढ़ रहे हैं, लगातार केस बढ़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? कोरोना का केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ज्यादातर छात्रों को निशाना बना रहा है इस बार कोरोना। कोरोना का दवाई ववाई के विषय देना चाहिए और कुछ लिखना चाहिए कि कोरोना बंद हो गया। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बढ़ते आंकड़े और वो भी छात्र, स्कूली छात्र, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनने लगा है। सर, आपसे जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे? लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, वो भी स्कूली छात्र को निशाना इस बार बना रहा है। I am also very much concerned that like nowadays the corona is getting affected again, because like from past 2 years my kid was having a online classes, but again the school has been reopened, so it is again giving me a worried part, because like now the people are getting corona affected, so we have to take again a strong decision against this, so that like this disease can be get overcome, right? That's all from my end. कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का भी काम जो है तेजी से करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग भी कह रहा है कि हम तेजी से वैक्सीनेशन का काम करेंगे। जो पेरेंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा। Absolutely, like the vaccination is a major part in that, and the parents have to take an important part into this, because like without vaccination, the corona will not be get overcome from all these people. So we have to get vaccinated very soon. अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए, रजत का रुख कर लेते हैं। रजत, क्योंकि जो गाजियाबाद है और जो नोएडा है वो आपस में अटैच हैं, क्योंकि गाजियाबाद में इस तरह के मामले निकल कर सामने आए हैं, स्कूल के बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो सीधा सीधा इसका असर नोएडा में भी देखने को मिल रहा है। क्या कुछ हालात है कोरोना को लेकर, वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अगर नोएडा की बात करें, दिल्ली से सटा हुआ है,
स्वास्थ्य महकमा अच्छा है लेकिन व्यवस्थाएं अच्छी हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं 48 दिन के अंदर 23 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पहले क्या है, कल से बीते दिन की बात करें, जो खेतान पब्लिक स्कूल में सेक्टर 40 में, वहां पर 3 टीचर समेत 16 बच्चे कोरोना की चपेट में आए थे। उसके बाद मेरे जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा होगा। उसके बाद कल DPS में भी एक बच्चा कोरोना संक्रमित पाया गया है। कहीं ना कहीं अब लगातार जो बच्चे हैं वो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य जो महकमा है नोएडा का वो अलर्ट हो चुका है। जो बच्चे थे, आखिर वो बच्चे किस किस व्यक्ति के टच में आए थे, लगभग कहें तो स्वास्थ्य विभाग के अनुमान के मारे 105 लोगों के टच में जो बच्चे थे वो आए, जब जो स्वास्थ्य महकमा है उनको खंगाल रहा है। लेकिन अब ऐसे में जो जिला प्रशासन को भी अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि कहें तो चौथी लहर की आने की आशंका है वो हो चुकी है। जो प्रभावित इस पर बच्चे हैं, जो कि छोटे बच्चे हैं, उनमें ज्यादा देखा जा रहा है। हालांकि अब जिला प्रशासन द्वारा भी लोगों को अलर्ट रखने की हिदायतें वो दी गई है। जगह जगह पर लोग हैं, अब जो गाइडलाइंस को जो कहें तो सरकार द्वारा राहत दी गई थी कि गैर मास्क के लोग, लेकिन स्कूल में अभी भी अनिवार्य है। स्कूल में कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो पहले मास्क भी सैनिटाइजर, लेकिन अब जो स्कूल प्रशासन की बात करें, जो खेतान पब्लिक स्कूल की बात करें, तो उस पर लापरवाही के आरोप है, क्योंकि एक साथ कहीं ना कहीं 13 बच्चे कोरोना संक्रमित होने साफ साफ सवाल बनता है स्कूल प्रशासन पर। स्कूल प्रशासन की लापरवाही के चलते ही 13 बच्चे थे वो संक्रमित हुए। ठीक है रजत, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से जो कोरोना के केसेस हैं वो निकलने लगे हैं।